और ये है दिवाली का ब्लॉग। तो यहाँ पे सुबह सुबह बाबू नहा धो के तैयार हो गए हैं, आज के दिन मंदिर जाना है, तो इनको न्यू वाला जो स्वेटर लेके आए थे वो पहना दिया है और नहा धो के तैयार हो गए हैं। तो ये सब लोग मंदिर जाएंगे, बाबू और बाबू के पापा दोनों लोग। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा सही कर देते हैं, ऐसे ही अपने आप पहन लिए थे। ये देखिए पहनने पे बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है स्वेटर का। ये देखिए शैतानी कर रहे हैं, उसको खोले ले रहे हैं, हटा देंगे, मैंने मोड़ के रखा था। और ये देखिए भाग रहे हैं, हम जानते हैं कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ इसीलिए। और थोड़ा बहुत सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है तो वो हम सही करेंगे और ये सब लोग चले जाएंगे। और उसके बाद में यहाँ बना रहे हैं खाना, बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये मैंने दाल पीस के रख दिया है, दही बड़ा बनाएंगे, दाल चावल हो गया है। और जो सोया मैंने कट करके रखा है उसके पकौड़े बनाएंगे। और ये है हमारी दिवाली का कपड़ा, ये देखिए। तो ये है मम्मी की साड़ी, मम्मी इसको पहनेंगी रात में। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है ये साड़ी, और कुछ इस तरीके से इस पर कढ़ाई है सिंपल ही लेकिन बहुत ही अच्छी लग रही है। तो ये मम्मी की साड़ी है। ये है बिट्टू का कपड़ा, बिट्टू के लिए दो ड्रेस लिया है और दोनों स्वेटर ही हैं। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये देखने में। तो आप लोग कपड़ा देख के बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगा। और ये है दूसरा वाला, दो सेट लिया, तो ये दूसरा वाला है, ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये देखिए है ना, दोनों बहुत ही सुंदर। और ये है साड़ी, तो ये हमने लिया है ननद के लिए, और ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है साड़ी। ये देखिए ऐसे नीचे पूरे में वर्क है, ये देखिए बहुत ही प्यारी साड़ी लग रही, कलर बहुत ही सुंदर है इसका। तो ये सारे अपने कपड़े लिए, और बाबू का तो आपने देखा ही। और उसके बाद में यहाँ पे कांध है, इसको काट के नमक लगा के रख दिया है, थोड़ा सा पानी निकल जाएगा तो इसकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैंने दिए को धो के और रख दिया है कि इसका पानी सूख जाए ताकि जलाने में अच्छा रहेगा। और दिन बहुत ही छोटा सा होता है और बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं, तो उसके बाद में सारा काम हो गया था। फिर यहाँ पे शाम हो गया, दिया जलाने का टाइम हो गया, तो यहाँ पे मम्मी तैयारी कर रही हैं, दिया सारी बिछा दी हैं, उसके बाद में इसमें बत्ती डाल रही हैं। और अब हम यहाँ पे जाएंगे, बाबू को कपड़े पहनाएंगे। और ये देखिए बाहर भी थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है, ये फूल से सजा दिया है थोड़ा सा, अच्छा लगता है जब घर सजा होता है तो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं किया है, जितना हो पाया उतना किया है, बहुत अच्छे से बना नहीं है। और बाबू बिट्टू यहाँ पे देखिए यहाँ पे जय करने आए हैं, खेल कर रहे हैं दोनों लोग। तो अभी इनको ले जाएंगे, कपड़े पहनाएंगे। ये देखिए जय हो रहा है, अभी पूजा हुआ भी नहीं है और पहले ही आ गए जय करने, चट्टी बनियान में घूम रहे हैं बाबू। और ये हम यहाँ पे आए थे पत्ती लेने, इसी से हम बनाएंगे रंगोली। और कलर से बनाने में टाइम भी लगता है और बच्चे हैं तो सारी चीज़ें करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बिट्टू भी जल्दी रुकती नहीं है, रोने लगती हैं और नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए मैंने नहीं मंगाया था कलर रंगोली बनाने के लिए। तो मैं पत्ती और फूल से ही बना दूँगी रंगोली थोड़ी सी, और अच्छी भी लगती है। तो यहाँ पे बिट्टू जय करके जा रही हैं अब मेरे साथ घर। ये देखिए जय कर रही हैं सबसे, राम 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 राम, जय हो गया है इनका, अभी फिर से करेंगी। और बच्चों की छोटी छोटी सी हरकतें ना बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। और ये जैसे देखती हैं सबको करते हुए वैसे ही पूजा पाठ करती हैं, तुरंत आके जय करेंगी। और
जब नहीं समझ में आएगा एक बार में तो दूसरी बार जाएंगे करेंगे। ये देखिए अब बाहर से करेंगे, अभी अंदर कुछ छूट गया है। ये देखिए यहाँ पे नंदी बाबा हैं तो यहाँ पे भी जय कर रही हैं, ये छूट गया था इनका, तो ये वापस जाके करके आइए। अभी बाहर से एक बार फिर से करेंगे, ये देखिए नहीं हुआ, आ गए वापस। और यहाँ पे सब लोग खेल रहे हैं, बाबू हैं तो गाना बज रहा है तो इनका ठुमकना तो बनता ही है। और ये देखिए उसके बाद में मैंने यहाँ पे रंगोली बनाया है फूल से, पत्ती से और आटा से, थोड़ा सा मैंने सजा दिया है दिया जलाने के लिए, क्योंकि दिवाली में रंगोली बनाना शुभ होता है, बहुत ही अच्छा लगता है जब थोड़ा सा डेकोरेट हो जाता है। दिवाली में नहीं, रंगोली अब कोई भी फेस्टिवल हो या पूजा पाठ हो तभी आप बनाएं, बहुत ही शुभ होता है रंगोली बनाना। और उसके बाद मैंने बिट्टू को तैयार कर दिया यहाँ पे, और इन लोगों का कपड़ा इधर उधर करने में ना देखिए कितने सारे कपड़े फैल गए हैं, और फिर ये मैंने अपने कमरे में बनाया है। लेकिन बना लिया, तैयारी तो बिल्कुल भी नहीं थी, मूड भी नहीं था बनाने का, लेकिन बना लिया फटाफट से। और उसके बाद में यहाँ पे हम भी तैयार हो गए, तो इस बार मैंने सूट पहना है, मुझे पूजा नहीं करना था तो इसीलिए मैंने सूट पहना है। और ये मैंने चूड़ी कंगन डाल रखी है हल्की फुल्की सी मैचिंग का, तो मैं भी तैयार हो गई हूँ। तो कैसा लग रहा है आप लोग को मेरा सूट, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए यहाँ पे दिया जल चुकी है, पूजा हो रहा है, क्योंकि मैं तैयार हो रही थी यहाँ पे, तब तक सारी तैयारी हो गई है और लगभग पूजा भी हो चुका है। यहाँ पे भोग लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हर चीज़ की तैयारी हो चुकी है, और मैं सबसे बाद में आई, और यहाँ पे आरती हो रही है, तो सब लोग हैं, बच्चे भी हैं, अच्छा लगता है, बहुत मन खुश हो जाता है जब सब लोग खुशी खुशी से सब कुछ करते हैं। बोले मुझे नहीं करना था, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा लगता है जब सब लोग खुश होते हैं तब। और बिट्टू तो यहाँ पे बजा रही हैं घंटी, ये देखिए इसको याद नहीं है क्या बोलते हैं, और इसको बजा बजा के आरती कर रही हैं, एक एक दिया के पास बैठ के बजाती हैं। अभी ये बाहर जाके बजाएंगी, दिखाएंगे, बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद में दिया उठा के सब जगह सबने रखा। ये देखिए मम्मी साड़ी पहनी, कितना प्यारा लुक आ रहा है। तो यहाँ पे दिया रखी जा रही हैं, पूजा पाठ हो गया है तो दिया रखेंगे, उसके बाद में कुछ खाया पिया जाएगा, फिर पटाखे जलाएंगे। तो ये देखिए बिट्टू यहाँ पे दिया रखी हुई है, तो यहाँ पे बजा रही हैं और जय कर रही है। ये देखिए, ये मुझे देख के बड़ा मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखिए एक एक दिया के पास बजा रही हैं, जय कर रही हैं, जय हो गया। अब ये बाहर जा रही हैं, वहाँ भी बजाएंगे। बहुत छोटी हैं, लेकिन इनकी जो छोटी छोटी सी हरकतें हैं ना, बहुत प्यारी हैं। अब यहाँ पे भी दिया रखी हैं, तो यहाँ पे भी बजाएंगे अभी। और मैंने इनका हाथ पकड़ के फिर नीचे खड़ा कर दिया, क्योंकि नीचे अपने आप उतारती ना तो कपड़े गंदे हो जाते। ये देखिए, ये देखिए दिया के पास बजा रही है, मुझे, मैं बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी नज़र मेरी बिट्टू को शायद लग जाए, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, एक एक दिया के पास बजा रही हैं। और वहाँ पे भी दो तीन लोग थे, सब लोग हंस रहे थे, सबको बहुत अच्छा लग रहा था। और ये अपना बजाया जा रही थी। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, अगर ब्लॉग देखते ही हैं तो एक लाइक भी कर दीजिए। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसके कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। तो वापस हम आ गए घर के अंदर, तो यहाँ पे देखिए हमारे कमरे में दिया जल रहा है और हमारी रंगोली कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है।
और यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा फूल डाल दिया था, क्योंकि यहाँ पे मशीन रखी है, मेज है, तो इसलिए नहीं सही से बना, लेकिन यहाँ पे मैंने बना दिया था। तो मैंने अपने कमरे में दो रंगोली मैं हमेशा बनाती हूँ, और यहाँ भी दिया जलना था तो यहाँ पे थोड़ा सा फूल डाल दिया। और ये देखिए बढ़िया से पूजा पाठ हो गया है, प्रसाद भी, प्रसाद इतनी टाइम हमारे यहाँ नहीं दिया जाता है, सुबह देते हैं प्रसाद। तो प्रसाद सारा बंद करके और रख दिया गया है, दिया भी रखे जा चुकी हैं। और ये देखिए बाहर का नज़ारा, हम अब आ गए छत पे, तो छत से पूरे गांव का, ये देखिए मोहल्ले का हम नज़ारा दिखा रहे हैं, पूरा लाइटिंग से सब सजी हुई है। जहाँ पे मुस्लिम है वहाँ पे नहीं जल रहा है, बाकी जहाँ पे हिंदुओं का घर है सबके यहाँ लाइट लगी हुई है। बहुत ही अच्छा लग रहा है रात में। ये देखिए हमारे यहाँ भी लगी है बाहर से दिखता, और ये मम्मी है यहाँ पे, हस्बैंड है, बाबू है, बहनी है, सब लोग हैं छत पे सब लोग। और उसके बाद सबने चाय नाश्ता किया, फिर यहाँ पे पटाखे जला रहे हैं। ये देखिए बहुत अच्छा लगता है, बड़े बच्चे सब लोग पटाखे जलाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये देखिए जलेबी ये जला रहे हैं, यह है सुरसुरिया, तो सब लोग जला रहे हैं, बाबू भी जला रहे हैं। पहले छोटे थे तब डरते थे, लेकिन अब नहीं डरते हैं। और यहाँ पे है सिखा है, बाबू की बुआ है, वो भी जला रही हैं। ये सारे बाबू की बुआ हैं, तो सब लोग बढ़िया फुलझड़ी और जलेबी सबने जलाया, अच्छा लगता है। और हस्बैंड जी हमारे एक एक देख के सबको जला रहे थे कि मतलब जलवा रहे थे कि सब लोग जला लो, और तो खड़े होके आराम से देख रहे थे। फिर यहाँ पे आग जल गया, क्योंकि ठंड लग रही थी इस बच्चे को, तो इसको आग जला के फिर सेका गया। फिर वहाँ से हम सब लोग आ गए यहाँ पे छत पे चाची के यहाँ, तो यहाँ पे पैराशूट उड़ा रहे थे बच्चे। और ये देखिए बाबू हमारे कैसे आराम से झुक के देख रहे हैं, बच्चों को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है देखने में, इन लोग को तो डर भी नहीं लगता। बाबू जी हमारे तो एकदम झुके जा रहे हैं, लेटे जा रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं उसको नीचे से, इस पे क्या लगा है और क्या जला रहे हैं जानना बहुत ज़रूरी है लोगों को। और सब लोग जला रहे थे, सब लोग वहाँ पे हंस रहे थे, बहुत मज़ा आया। लेकिन ये वाला पैराशूट नहीं जलेगा, पकड़े हुए थे और ये कहीं से इसमें छेद था तो इसलिए नहीं जला। अभी तो पकड़े हैं लेकिन जलेगा नहीं ये। और बिट्टू को, बिट्टू के चाचा उस अपने कंधे पे बिठाए हैं, उनको दिवाली का मज़ा दिला रहे हैं, अच्छा लग रहा है सब कुछ। ये देखिए अब तो फ़ोटो शूट कराने लगे एक एक हीरो लोग, यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा है पैराशूट के साथ। एक डेढ़ घंटे वहाँ पे सब लोग थे छत के ऊपर, बहुत अच्छा लगा। ये देखिए बाबू देखिए कैसे झुके हैं और पैराशूट जला रहे हैं, इनको डर नहीं लग रहा है कि कुछ पड़ जाएगा। ये देखिए बहुत शैतानी बाज है लड़का, अपना कपड़ा निकाल दिया है। ये देखिए उड़ता है, उसके बाद में फिर नीचे आ जाता है, फिर उड़ता है, फिर नीचे आ जाता है, नहीं सही से उड़ा तो इसको नहीं उड़ाएंगे, ये बुझा देंगे अभी, क्योंकि इससे है कि कहीं भी गिर जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। और ये है दूसरा पैराशूट, तो इसको खोल के भी इसकी जो मतलब क्या बोलते हैं कपूर, वो निकाल लिया है, और इसको खोल के आराम से फिर जलाया जाता है। ये बहुत ही हल्का होता है, तो इसको बहुत ही आराम आराम से खोलते हैं। और प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखिए और मेरा सपोर्ट कीजिए,
पता नहीं क्यों मेरा ब्लॉग इस टाइम पे नहीं चलता है बिल्कुल भी, उस पर व्यूज़ नहीं आते हैं। थोड़ा बहुत 10-50-60 व्यूज़ आ जाते थे, लेकिन अब तो बस बहुत मुश्किल से 10-15 व्यूज़ इसी पे अटक जाता है। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे नहीं पता। मैं कोशिश भी करती हूँ, उस बीच में दिवाली की साफ़ सफाई के चक्कर में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो मैंने वीडियो नहीं एक हफ्ता डाला, लेकिन मैं डालती भी हूँ, कोशिश भी कर रही हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे पैराशूट को जला लिया गया है, ये देखिए, और दो दो लोग इसको आराम से पकड़े कि इसमें अच्छे से गैस भर जाए। और उसके बाद में ये देखिए उड़ा दिया, और अभी ये उड़ते हुए जा रहा है। मैं थोड़ा सा साइड में हो गई थी इसलिए उड़ा दिया, मुझे पता ही नहीं चला। तो ये वाला पैराशूट सक्सेसफुल हो गया, और यहाँ पे ये देखिए ये वाला पैराशूट सक्सेसफुल हो गया। और यहाँ पे कितनी सारी लाइटिंग जल रही है, बाबू मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे, और ऊपर है तो ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, ये देखिए। और हम बोल रहे थे कि चलो घर, तो अभी नहीं आए हैं, हम तो जा रहे हैं, लेकिन ये अभी मस्ती करेंगे थोड़ी देर। और अब मैं अपना ब्लॉग यहीं करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग को नए ब्लॉग में। तो प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखिए, मेरा सपोर्ट कीजिए। बाय बाय।